अस्पतालों में डीप फ्रीजर दिए जाते हैं सड़क हादसों या अन्य कारणों से मृत हुए लोगों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि इन शवों का पोस्टमार्टम सुरक्षित तरीके से हो सके। लेकिन लगता है अस्पताल प्रबंधक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार ने उन्हें लाखों रुपए का डीप फ्रीजर शवों को सुरक्षित रखने के लिए दिया है। वो शवों को तो छोड़िए, डीप फ्रीजर को तक सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का ये मामला डिंडोरी का है, जहां मर्चुरी वार्ड में रखे डीप फ्रीजर कई महीनों से बंद पड़े पड़े कबाड़ हो रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी वार्ड लाए जाने वाले शवों को रात में खुले में ही रखना पड़ रहा है, जिससे शवों को चूहे या अन्य जीव जंतु नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर भी अस्पताल प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं अस्पताल के बिजली विभाग के कर्मचारी की माने तो किसी निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार ने 4-5 महीने पूर्व नाले से मलबा निकालकर मर्चुरी में रखे डीप फ्रीजर के सामने रखवा दिया, तभी से नाले का मलबा मर्चुरी डीप फ्रीजर के सामने ही पड़ा हुआ है। हैरत की बात यह है कि किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस तरफ झांकने की कोशिश भी नहीं की। सर, बहुत परेशानी हो रही है, और हम लोग कल आए थे और रात भर हो गया, अभी तक नहीं रुकिया, और यहाँ से हम दोबारा चले गए, फिर गाड़ी करके आए। सर, बहुत परेशानी जाती है सर, यहाँ जो है उसके बाद तो सब खराब हो जाती है, उसमें बदबू आने लगती है, तो सुधरना चाहिए, डीप फ्रीजर रहना चाहिए, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। ये गवर्नमेंट की लापरवाही समझ में आ रहा है। मर्चुरी में डीप फ्रीजर बंद इसलिए है कि जो कुछ दिनों के पहले, मतलब कुछ दिन हो गए, वो जो कोई ठेकेदार है तो नाली का काम करवाए थे, अब वो जो मटेरियल है वो डीप फ्रीजर के जो है उसके सामने पूरा मतलब डाल दिए हैं। उसके कारण डीप फ्रीजर क्या है कि अभी कुछ दिन उपयोग में नहीं आ रहा है, जब उपयोग में नहीं आया है तो उस हिसाब से अपन भी, और आज कल देखे तो कोई अज्ञात लोगों ने उसकी केबिल तार पूरी काट के चले ले गए उसको। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।